हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था कि प्रीवियस क्लास में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस था तो उसके अंदर में पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है, जो अमोनिया होता है, सॉरी अमाइंस होता है, अमोनिया का डेरिवेटिव अमाइंस जो होता है, तो अमाइंस के अंदर में आपको एनएच बॉन्ड दिखता है और एनएच के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो वो डिपेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर, और उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें मोर हीट सप्लाई करना होता है। ये हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखा। बाद में फिर देखा कि भैया ये जो पॉइंट्स है इसके बीच में कौन सबसे ज्यादा है और कौन कम से कम है। इसमें हमने देखा था कि सबसे ज्यादा जो है वो प्राइमरी अमाइंस हैविंग स्ट्रांगेस्ट अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू टर्शियरी अमाइन। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको एक पॉइंट मिला था जो था बेटा वहां पे नंबर ऑफ एनएच बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू टर्शियरी, ठीक है। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी पहली प्रॉपर्टी, दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। आज हम देखेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज फिजिकल स्टेट, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट में के अंदर में हम क्या करते हैं कि वो दिखता कैसे है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी स्मेल क्या है, वो सोल्यूबल है या नहीं है, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर में उसकी देखना है, उसका कलर कैसा है, ये फिजिकल स्टेट में हमें देखना। तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोअर प्राइमरी अमाइन की बात करेंगे हम, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, अमाइन का मतलब क्या होगा आपका, दैट इज आर एनएच टू, यह है आपका अमाइन। तो अमाइन के फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देख रहे हैं तो लोअर प्राइमरी अमाइन जो है ये मैक्सिमम, क्या बोल रहा हूं मैं, लोअर प्राइमरी अमाइन जो होते हैं ये मैक्सिमम, एलिफेटिक की बात कर रहा हूं, तो ये मैक्सिममली आपको गैस इन स्टेट में आइडेंटिफाई होंगे। कौन से स्टेट में होंगे बेटा, गैस, ठीक है। जब ये गैस में होंगे तो लोअर प्राइमरी अमाइन अगर कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसके अंदर में आता बेटा पहला, दैट इज मिथाइल अमाइन, दैट इज सी एच थ्री एन एच टू, और दूसरा आता है C2H5NH2, दैट इज इथाइल अमाइन, ठीक है। मतलब मिथाइल अमाइन और इथाइल अमाइन ये जो है ये लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइंस होते हैं जो गैसिन स्टेट में आपको आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें हम तो इसमें आएगा बेटा मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू मतलब थ्री या फिर मोर देन थ्री नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर वो स्ट्रक्चर के अंदर में प्रेजेंट है तो वो जो अमाइंस होंगे वो लिक्विड इन स्टेट में आपको मिलते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इफ, ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं द अमाइन, ठीक है, जिसको मॉडरेटली अमाइन भी बोल सकते हैं, फिर मीडियम अमाइन बोल सकते हैं, द अमाइन हैविंग थ्री और मोर देन थ्री और मोर कार्बन, थ्री या मोर कार्बन अगर इसके अंदर में प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब हम मीडियमली बोल रहे हैं। जैसे लोअर प्राइमरी अमाइन है तो दो कार्बन है, जैसे मिथाइल है और इथाइल है, अगर दो से ज्यादा मतलब थ्री है या फिर थ्री से ज्यादा है, जैसे थ्री है तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज आएगा बेटा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू और एन एच टू, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। तो इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, थ्री, थ्री या थ्री से ज्यादा, ठीक है, प्रोपाइल अमाइन है, ब्यूटाइल अमाइन है, जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इससे ज्यादा अगर है तो इसकी जो स्टेट होगी वो क्या रहेगी, दैट इज लिक्विड इन स्टेट रहेगा। समझ में आ रही है बात, प्राइमरी लोअर अमाइन है तो गैसियन स्टेट जिसमें मिथाइल और इथाइल अमाइन आएगा, मीडियम है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन थ्री या थ्री से ज्यादा है तो वो आएगा लिक्विड इन स्टेट। और तीसरा पॉइंट ध्यान में रखो, अगर यहां पर हम देखें तो हायर मेंबर्स ऑफ अमाइन अगर हम देखते हैं, ठीक है, हायर मेंबर्स, ठीक है, हायर मेंबर्स ऑफ अमाइन अगर हम देखते हैं, ठीक है, हायर मेंबर्स ऑफ अमाइन अगर हम देखते हैं तो इसका जो ऑर्डर होगा ये क्या होगा बेटा, आर सॉलिड इन स्टेट, ठीक है, कौन सी स्टेट रहेगी, सॉलिड स्टेट, ठीक है। लेकिन अपने आप सॉलिड नहीं रहेगी, यहां पे आपको ऑर्डिनरली टेम्परेचर यूज करना होगा, साथ में प्रेशर भी यूज करना होगा, एट, यहां पे हम लिख सकते हैं एट ऑर्डिनरी, या फिर रूम टेम्परेचर भी आप बोल सकते हो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर,
ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब ये जो तीनों पॉइंट्स देखे, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हमने देखे फिजिकल स्टेट के अंदर में, लोअर जो होते हैं वो गैस होते हैं, मीडियम होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और हायर मेंबर्स ऑफ अमाइंस अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा, जैसे हम देखे पहला अगर हमने देखा तो वो क्या होता है, लोअर गैस होता है, बाद में दूसरा हमने देखा वो लिक्विड होता है, और तीसरा जो देखा हायर मेंबर वो सॉलिड होता है। ठीक है, ये तो हो गई बेटा किसकी, दैट इज एलिफैटिक अमाइन। कौन से है ये, तीनों के तीनों अगर हम देखें तो ये है बेटा आपके कौन से, एलिफैटिक अमाइन। ठीक है, अगर एलिफैटिक की जगह मैं एरोमेटिक अमाइन अगर लू, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एरोमेटिक अमाइंस, अब एरोमेटिक अमाइन मतलब कौन होगा, ये आपका आएगा बेटा बेंजीन रिंग। ठीक है, एरोमेटिक अगर है तो मैंने ये ले लिया बेंजीन रिंग, यहाँ पे अगर मैंने NH2 अटैच कर लिया तो ये बन गया मेरा एरोमेटिक अमाइंस, और इसका नाम है दैट इज एनिलीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, एनिलीन। ठीक है, अब एनिलीन का हमें क्या करना है, कन्वर्जन अगर देखना है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन चेक करो बेटा कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन देखो यहाँ पे वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव एंड सिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अब सिक्स नंबर ऑफ कार्बन है मतलब थ्री है या मोर देन थ्री है, यस ऑब्वियसली थ्री और मोर देन थ्री में है, अगर मोर देन थ्री में उसकी स्टेट क्या आएगी, दैट इज लिक्विड। मतलब एलिफैटिक के अंदर में जो आपको मिल रहा है वो कौन से स्टेट शो करेगा, दैट इज लिक्विड इन स्टेट शो करेगा। समझ में आया, ठीक है। नाउ अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, अगर हम आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो ये तो हो गई उसकी फिजिकल स्टेट की बात। अगर हम फिजिकल स्टेट के अंदर में हमने देखा कि उसका बिहेवियर मतलब आपको कौन से स्टेट में आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, जैसे हम क्या देख रहे हैं, जो फिजिकल स्टेट की बात अगर हम कर रहे हैं तो फिजिकल स्टेट में हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले तो देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हम क्या क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो देख रहे हैं उसकी स्टेट, ठीक है, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, फिर कंपेयर करेंगे उसका कलर, ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे उसका ऑर्डर, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्मेल। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे, फिजिकल स्टेट के अंदर में। ठीक है, नाउ अब तो हमें देख लिया स्टेट, अब हम देखते बेटा उसका कलर, ठीक है, क्या देखते हैं उसका कलर, ठीक है, अब हम क्या देखेंगे उसका कलर, ठीक है, कि वो आपको मिलता कैसे है। ठीक है, अब फिजिकल स्टेट की अगर बात हुई या फिर कलर की बात करें तो ये जो अमाइंस होते हैं, क्या बोला मैंने, ये जो अमाइंस होते हैं, ठीक है, अमाइंस चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, तो अमाइंस जो है ये प्योर स्टेट में, हमेशा ध्यान में रखना, प्योर स्टेट में ये क्या होते हैं बेटा, कलरलेस होते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो ये अमाइंस को हम लॉन्ग पीरियड तक उसको हम स्टोर करके रखें तो ये ऑक्सीडाइज होते हैं और कलर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करके देखते हैं। ये एनिलीन जो है उसका एक नेचर है जो अलग से बिहेव करता है। जो अमाइंस होते हैं, अमाइंस इन प्योर स्टेट, क्या बोला मैंने, अमाइंस इन प्योर स्टेट इट विल बी गेट कलरलेस। ठीक है, हमें किसमें मिलता है, ये कलरलेस सब्सटेंस में आपको आइडेंटिफाई होता है। गॉट द पॉइंट। अगर मान के चलो इट स्टोर, ठीक है, इट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, इट स्टोर फॉर लॉन्ग टाइम, अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करें तो ये क्या होगा, दे गेट ऑक्सीडाइज, दे गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है, दे गेट ऑक्सीडाइज टू ऑब्टेन, आपको कलर प्रोडक्ट मिलेगा, टू गिव बोल सकते हो आप, टू गिव कलर प्रोडक्ट, ठीक है, टू गिव कलर प्रोडक्ट। ठीक है, आपको क्या करेंगे, ये कलर प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे या फिर कलर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन करके देंगे। ठीक है, नाउ अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम्पल की अगर बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एनिलीन, ठीक है, ये आपका कौन है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ में अगर मैंने NH2 अटैच कर दिया तो ये बन गया बेटा आपका एनिलीन। ठीक है, एनिलीन को अगर मैंने ऑक्सीडाइज किया, ठीक है, क्या किया इसे, ऑक्सीडाइज अगर किया, ठीक है, तो ये आपको कौन सा मिलेगा, दैट इज कलर्ड, कलर्ड प्रोडक्ट आपको क्या करेगा, ये आइडेंटिफिकेशंस करके देगा। नाउ ठीक है, यहां तक समझा, तो ये हो गया बेटा कलर से रिलेटेड। अब
और अगर देखें ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिजिकल के अंदर में हमें वो चेक करनी है, दैट इज ऑर्डर। ठीक है, जैसे हमने कलर देखा उसी प्रकार हमें क्या देखना है, ऑर्डर देखना है। अब ये जो अमाइंस है ठीक है, अमाइंस ध्यान दो अच्छे से, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये किसका डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स ठीक है, अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसके पहले हमने देखा ही है कि ये जो अमाइंस है किसके डेरिवेटिव्स है, अमोनिया के, तो इसकी स्मेल भी किसके जैसे आएगी, यस ऑब्वियसली अमोनिया के जैसे ही आएगी। तो दे हैव ध्यान दो, दे हैव ऑर्डर जो है उसका, ऑर्डर ऑफ अमोनिया, ऑर्डर ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया मतलब कौन, दैट इज NH3। समझ में आया, तो ये थी बेटा उसकी फिजिकल स्टेट। समझ में आया, फिजिकल स्टेट के अंदर में क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने देखा फिजिकल स्टेट के अंदर में कि भैया वो फिजिकल स्टेट जो है तो वो किस प्रकार अपनी स्टेट शो करता है, सॉलिड कौन है, लिक्विड कौन है, गैस कौन है। ठीक है, बाद में हमने क्या देखा, बाद में हमने देखा बेटा कि वो कलर कैसा दिखाता है। ठीक है, प्योर है तो कलरलेस होगा, अगर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन तक हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या होगा, कलर प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करके देखा। बाद में हमने देखा कि वो जो ऑर्डर है ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो किस प्रकार आएगा, तो ऑर्डर वो है क्योंकि अमाइंस जो है ये डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया है, तो उसकी स्मेल भी कैसे आएगी, दैट इज अमोनिया के जैसी आएगी। समझ में आया। नाउ इसके बाद की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमें देखना बेटा, जो थर्ड प्रॉपर्टी है ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज सोल्यूबिलिटी। ठीक है, कौन सी, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें ठीक है, सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये जो सोल्यूबिलिटी है, हमने अभी तक की सोल्यूबिलिटी पढ़ा कि सोल्यूबिलिटी जो है आर आर टू टाइप्स। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं बेटा, टू टाइप्स। ठीक है, इसके पहले आपने ये पढ़ा भी होगा कि इसके जो टू टाइप्स है वो टाइप्स कौन से होते हैं, तो पहला टाइप जो आता है ये आता है पोलर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा पोलर सॉल्वेंट, कौन सा, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और दूसरा जो आता है वो आता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करें, जो अमाइंस होते हैं जो सोल्युबिलिटी हमें चेक करना है, तो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अंदर में वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। और नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो नॉन पोलर के अंदर में हम क्या क्या यूज करते हैं, दैट इज बेंजीन यूज करते हैं, ईथर यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्लोरोफॉर्म भी आगे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सोल्युबिलिटी है, अब सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, जो सोल्युबिलिटी है तो ये सोल्युबिलिटी जो है बेटा प्राइमरी अमाइंस की जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है, प्राइमरी अमाइंस की ज्यादा होती है, वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो हम यहाँ पे सोल्युबिलिटी जो है अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लोअर प्राइमरी अमाइंस, क्या बोला, लोअर ठीक है प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस लेते हैं, कौन सा, एलिफैटिक। ठीक है, लोअर प्राइमरी एलिफैटिक्स अमाइंस अगर इसकी हम बात करें ठीक है, आर अगर हम देखते हैं तो आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, ये किसके अंदर में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर। अब ये ऐसा क्यों, इसका क्या रीजन होगा। ठीक है, जो लोअर प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस है ये सोल्यूबल है वाटर के अंदर में। ठीक है, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके अंदर में जो प्राइमरी अमाइंस के अंदर में है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक्सेस होती है, ज्यादा होती है, कैसे वो देखते हैं, बिकॉज देखो इसका रीजन, बिकॉज देयर एबिलिटी, ठीक है किसकी, प्राइमरी अमाइन की, देयर एबिलिटीज जो है वो क्या होती है, टू फॉर्म, उसकी ज्यादा होती है, कौन सी, टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्या होती है, मोर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, किसके साथ, विथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में ज्यादा होती है। ठीक है, लोअर प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस आर सोल्युबल इन वाटर, क्यों, बिकॉज देयर एबिलिटी इज टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये कैसे होगी वो भी हम देख लेते हैं कि भैया ये होता कैसे है।
ठीक है। जैसे हमने ले लिया बेटा प्राइमरी अमाइन, अगर प्राइमरी अमाइन की हमें बात करूं तो ये होगा N, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट होगा, यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से क्या होगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और एक एक लोन पेयर होती है नाइट्रोजन के साथ में, ठीक है। तो ये आपका कौन है, दैट इज RNH2, मतलब प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पहले हमने देखा। अब ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, साइड के वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अपनी बॉन्डिंग बनाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे, देखो H प्लस है तो ये O माइनस के साथ में क्या होगा, अपना बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन अगर इसके साथ में है तो दूसरा यहाँ पे क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, ये यहाँ पे अपना एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये लोन पेयर जो है ये भी क्या करेगी, लोन पेयर जो है ये भी किसी अपने हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगी, एक ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाएगी, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहला वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स और ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब प्राइमरी अमाइन्स ने हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो कितनी बनाई, दैट इज 3, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर में उसकी जो एबिलिटीज है फॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शियरी वो ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका जो स्टेबिलिटी है मतलब सोल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ में आया। अगर हम यही दूसरी बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, दैट इज RNH2 अगर ये है तो यहाँ पे ये जो NH2 ग्रुप है ये वाटर के अंदर में क्या है बेटा, सोल्यूबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो अल्काइल ग्रुप है ये वाटर के अंदर में इनसोल्यूबल होता है। क्या होता है, इनसोल्यूबल, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, दैट इज नॉन पोलर ग्रुप होता है, ठीक है। और ये सोल्यूबल क्यों, क्योंकि ये पोलर ग्रुप होता है। यहां तक समझ में आया। जितने भी अल्काइल ग्रुप्स है ये वाटर के अंदर में नॉन पोलर होते हैं बिकॉज दे आर प्रॉपर्टी शोज दैट दे इनसोल्यूबल, ठीक है। अब ये नॉन पोलर है, इनसोल्यूबल है करके इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोफोबिक, ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसका जो नेचर है हाइड्रोफोबिक इन नेचर, क्यों, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होगा, ये पानी के अंदर में डिजोल्व नहीं होती, इनको पानी से डर लगता है, मतलब ये सिंपल ध्यान में रखना, दे आर नॉट डिजोल्व इन वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। और हाइड्रोफोबिक इन नेचर कौन होते, दैट इज अल्काइल ग्रुप। फिर वाटर के अंदर में जो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसके अंदर में NH बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग ये ज्यादा है, जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग करेगा करके वो क्या होते हैं, वाटर के अंदर में सोल्यूबल होते हैं, मतलब पोलर जो है सोल्यूबल होते हैं, जिसको हम वाटर सोल्यूबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा उसको, हम वाटर सोल्यूबल। समझ में आया, सिंपल कंसेप्ट था ये, ठीक है, देन ठीक है। अब यहां पे अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है बेटा, आगे अगर हम चलते हैं तो वहां पे एलिफैटिक और एरोमेटिक जो हायर अमाइंस होते हैं, ध्यान दो, एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक, या फिर हम इसी पेज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, एलिफैटिक, ठीक है, एलिफैटिक एलिफैटिक अमाइंस एंड, या फिर और बोलो, ठीक है, एंड हायर अमाइंस, ठीक है, हायर अमाइंस जो है, एलिफैटिक अमाइंस ले लो या फिर हायर अमाइंस ले लो, हायर एलिफैटिक अमाइंस, ठीक है, हायर एलिफैटिक अमाइंस, एलिफैटिक अमाइंस, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अभी हमने इसके पहले में देखा एलिफैटिक अमाइंस है या फिर हायर एलिफैटिक अमाइंस है, 3 या 3 से ज्यादा अगर है तो वाटर के अंदर में क्या होते हैं, आर इनसोल्यूबल, वाटर के अंदर में क्या होते हैं वो, इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान दो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ठीक है बेटा, एक सेकेंड, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल जो है हम एनिलीन लेंगे, ठीक है, एनिलीन का स्ट्रक्चर यू नो वेरी वेल, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ में हम क्या करेंगे, NH2 अगर अटैच करें तो ये क्या होगा आपका, दैट इज एनिलीन, ठीक है।
अब एनिलीन के अंदर में तो ये जो है तो NH2 जो होता है ये क्या होता है, अभी हमने देखा कि NH2 जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, लेकिन उसके साथ में जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, इनसोल्यूबल होता है। अब यहाँ पे अल्काइल है तो यहाँ पे अराइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये सोल्यूबल होगा कि इनसोल्यूबल होगा, हमने देखा अल्काइल जो है तो इनसोल्यूबल होता है। अब यहाँ पे अराइल ग्रुप है, अराइल की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कौन है आपका, दैट इज बेंजीन। कौन है, बेंजीन। और बेंजीन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, सी सिक्स, ठीक है, सी सिक्स ए सिक्स, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, सिक्स। अगर सिक्स है तो यहाँ पे क्या है, वो मोर नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, मोर नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पे कितने हैं, अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन है तो उसका नेचर जो रहेगा दे आर इनसोल्यूबल, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर वो है तो उसको हम बोलते बेटा हाइड, जो इनसोल्यूबल है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफोबिक नेचर। हाइड्रोफोबिक नेचर का मतलब जो वाटर के अंदर में क्या होगा, डिजोल्व नहीं होगा, समझ में आया। तो ये है एलिफेटिक अमाइंस एंड हायर एलिफेटिक अमाइंस, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों, क्योंकि उसका नेचर जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, समझ में आया। नाउ अगर हम आगे देखें तो ये जो अमाइंस है, ऑल अमाइंस जो होते हैं वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, वो क्या होते हैं, ठीक है। ऑल, इसमें एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऑल अमाइंस, ठीक है, ऑल अमाइंस जो है चाहे वो एलिफेटिक हो, ठीक है, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, और एरोमेटिक हो, ठीक है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दे आर, ठीक है, दे आर सोल्यूबल, दे आर सोल्यूबल इन, ये पॉइंट ध्यान में रखना, मैं थोड़ा कलर पेन से लिख रहा हूं, इन कहां पे, नॉन, ठीक है, पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर में, ठीक है, कहां पे होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर में। पोलर सॉल्वेंट के अंदर में क्या होगा, इनसोल्यूबल, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर में जो ऑल अमाइंस है चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, समझ में आया। अब एक्चुअली होगा कैसे, ठीक है, अगर हम यहां पे बात करें तो ये आपको दिखेगा कैसे, ठीक है, पोलर है या नॉन पोलर है। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे बेटा प्राइमरी अमाइन, दूसरा ले लिया मैंने सेकेंडरी अमाइन, तीसरा ले लिया टर्शियरी अमाइन, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइन की अगर मैं बात करूं तो दैट इज एन एच एच, और यहां पे आएगा आर, एक लोन पेयर, यू नो वेरी वेल, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आएगा, दैट इज आर एन, यहां पे फिर से आएगा आर, और यहां पे आएगा एच, ठीक है, और यहां पे एक फिर से नाइट्रोजन की लोन पेयर, और यहां पे अगर हम देखें दैट इज आर एन आर, फिर से यहाँ पे आर, ठीक, लोन पेयर, ठीक है। इसके पहले हमने देखा है कि नाइट्रोजन के साथ में वन अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन, सेकंड दो अल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी अमाइन, थ्री नो अल्काइल ग्रुप है तो टर्शियरी अमाइन। अभी देखो ये जो सोल्युबिलिटी है तो ये कैसे आपको शो करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जिसके पास वाटर का एक्सटेंट मॉलिक्यूल्स होगा, एक्सटेंट स्ट्रेंथ होगी वाटर को कंबाइन करने की, वाटर को बॉन्डिंग करने की, वो मोर सोल्यूबल होगा। अब चेक करते हैं, यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, ये ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक हाइड्रोजन, मतलब ये पहला वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे ये एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे अगर ये देखिए तो ये लोन पेयर है तो ये भी यहाँ पे क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करेगी, अपना बॉन्डिंग बनाएगी। मतलब यहाँ पे अगर हम चेक करें प्राइमरी अमाइंस के अंदर में तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ वाटर बॉन्डिंग जो आपको दिख रही है वो कितनी दिख रही है, थ्री, ठीक है। चलो सेकंड की बात करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो ये ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैचमेंट करेगा, और एक लोन पेयर है तो ये भी क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अपनी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। नाउ ठीक है, तो यहां पे ये हाइड्रोजन, तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे दो वाटर, एक सेकेंड, यहां पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज हो रहा है। अगर हम टर्शियरी की बात करें तो तीनों अल्काइल ग्रुप है तो यहां पे एक ही ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, अपना मतलब
बॉन्डिंग फॉर्मेशंस करेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सबसे ज्यादा वाटर की जो बॉन्डिंग है वो प्राइमरी अमाइन की हो रही है, देन सेकेंडरी की, फिर टर्शियरी की, मतलब सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर सोल्यूबल है तो ठीक है, सबसे ज्यादा अगर है तो वो है आपका प्राइमरी अमाइन इज ग्रेटर दैन सेकेंडरी अमाइन एंड देन टर्शियरी अमाइन। तो यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं, समझ में आया। अगर हम थोड़ा और एक इसको एक्सटेंड करें, आपको पूछते हैं कि भैया वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है, तो एक क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ये कैसे करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर में ये समझ में आपको कि जिसकी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जिसकी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग होगी उसी का क्या होगा, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन इज मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो रही है किसकी, प्राइमरी अमाइंस की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन मोर, कहाँ पे दिख रही है आपको, मोर प्राइमरी अमाइन, मोर इन प्राइमरी अमाइन, ठीक है, मोर इन प्राइमरी अमाइन, समझ में आया। अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर बेटा हम तीन एग्जांपल ले, जैसे मैंने पहला ले लिया अमाइन, ठीक है, पहला क्या ले लिया, अमाइन, दूसरा ले लिया बेटा अल्कोहल, ठीक है, दूसरा ले लिया अल्कोहल, और तीसरा ले लिया हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तीसरा क्या ले लिया, हाइड्रोकार्बन। अब हमें चेक करना है कि इसके बीच में सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, अमाइंस की होगी, अल्कोहल्स की होगी, या हाइड्रोकार्बन की होगी। तो अमाइंस है, तो अमाइंस को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज आर एन एच टू, ये हो गया आपका अमाइन। अल्कोहल की अगर बात करें तो हम इसको लिखते हैं आर ओ एच, और हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो उसे लिखते हैं बेटा हम आर एच, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अमाइंस है तो आर एन एच टू, अल्कोहल है तो आर ओ एच, हाइड्रोकार्बन है तो आर एच, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो एन एच टू है और ये ओ एच है, तो इन दोनों में से अगर हम अमाइंस की बात करें तो अमाइंस जो है बेटा ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH बॉन्ड बनेगा, क्लियर, ठीक है, पोलर है। यहाँ पे भी क्या है, OH है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका पोलर इन नेचर शो करेगा, लेकिन यहाँ पे CH बॉन्ड है जो नॉन पोलर होता है, तो वो क्या होगा, दैट इज नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर है तो ये क्या होगा, दैट इज वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल ये होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये वाटर सोल्यूबल है तो बचे ये दोनों, ठीक है, बचे बेटा ये दोनों, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब ये जब निकालना है तो अब हमें यहां पे पॉइंट देखना होता है बेटा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो मोर स्टेबल। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये जो NH2 है, ठीक है, क्या बोला, ये NH2, तो NH2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो आती है 3.0, और ये जो OH है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है दैट इज 3.5, ठीक है। अब दोनों में से बताओ, अमाइन और अल्कोहल में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है अल्कोहल्स की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर अल्कोहल्स की ज्यादा है तो मोर सोल्यूबल भी कौन होगा, तो अल्कोहल होगा, देन अमाइन होगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, हाइड्रोकार्बन। तो मतलब सोल्युबिलिटी डिपेंड्स जो होती है, यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है, सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, ये इधर में, समझ में आ रहा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्या होती है, उसकी सोल्युबिलिटी डिपेंड्स होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी, अल्कोहल, तो फर्स्ट अपॉन कौन आएगा, दैट इज अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, अल्कोहल ये सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब मोर सोल्यूबल होगा एज कंपेयर टू अमाइन, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो है वो होगा दैट इज हाइड्रोकार्बन, समझ में आया। तो ये थी बेटा आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, दैट इज सोल्युबिलिटी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो इसी में आपको पढ़ने मिलती है, ठीक है, वो जो है वो है बेटा आपकी बॉइलिंग पॉइंट। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
बॉइलिंग पॉइंट। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दो अच्छे से। मान के चलो मैंने कोई दो एलिमेंट्स लिए, पहला ए और दूसरा बी, इनके बीच में अगर डिस्टेंस कम है, ठीक है, इनके बीच में अगर क्या है, डिस्टेंस कम है, मतलब बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो ये मोर स्ट्रांग बॉन्ड होगा, ठीक है, ये मोर क्या होगा, स्ट्रांग, मोर स्ट्रांग। और ये डिपेंड होगा नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर भी, नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है तो बॉन्ड डिस्टेंस और बॉन्ड क्या होगा, इनका स्ट्रांग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पहला ले लिया प्राइमरी अमाइन के अंदर में CH3NH2 पहला, दूसरा अगर लिया, तीनों प्राइमरी के एग्जाम्पल है, तीनों प्राइमरी है CH2CH3, ठीक है, एक सेकेंड, CH3CH2NH2 और तीसरा ले लिया बेटा CH3CH2CH2NH2। अगर हम तीनों की बात करें तो यहाँ पे भी अमाइन है, यहाँ पे भी अमाइन है, यहाँ पे भी अमाइन है, तीनों के तीनों क्या है, प्राइमरी अमाइन है, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लेंथ तो देखो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ CH3NH2 है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे और इंक्रीज हुआ, मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड हम इजीली क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ में आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे देखने मिलेगा। और जिसका स्ट्रक्चर ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीजेस होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इजीली ब्रेक डाउन होगी, समझ में आया। ये सेम टॉपिक हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा है, तो सेम टू सेम है, और आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट भी दिया है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, डिक्रीज। रीजन क्या है, कि उसकी बॉन्ड लेंथ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वीक होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर में हमने वन बाय वन ये प्रॉपर्टीज पढ़ा, ठीक है बेटा। तो ये अच्छे से पढ़ना, आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज बेसिसिटी, वो नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू।